2014 में तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिए। बेचारे जो पुराने भाजपाई थे उनको लगा कि क्या जिंदगी भर हम हाशिए में रहेंगे। कांग्रेस से लाए गए लोग, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे। अमित शाह उसकी चिंता करें ना। और जीत हार अभी 4 जून को तय होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग मत करिए अमित शाह जी। और राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि राहुल गांधी दागदार है, प्रधानमंत्री ईमानदार है और वो सपने देख रहे, दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनका सपना साकार नहीं। कैसे दागदार है? अपना चुनाव कंफर्म है क्या रविशंकर जी का? पहले तो टिकट कंफर्म नहीं था, अव्वल टिकट मिल गया। उनके टिकट मिलने से क्षेत्र में क्या मायूसी है लोगों के बीच में, जाके जरा उसका हिसाब ले लें। और दाग की अगर बात होगी ना रविशंकर जी, आप तो वकील हैं, आपको भी सब पता है किस पर कितने दाग थे हैं और आगे चल के कितने दाग पता चलेंगे। दागों की बात ना करें रविशंकर जी, आईना लेके बैठिए।